आज है जो की हरियाली तीज। ऋषिका दीदी अभी यहाँ रेडी हो रही है, यहाँ लगा दिया मैंने तीजों का सामान जो जो। तो गाइस यहाँ सर हमने है ना अपना सामान दीदी का जो था सब पैक कर दिया है। तो गाइस ये मार रहा है नोनी को, देख लो ये बड़ी है, तेरी भांजी है नोनी। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज डे है सैटरडे एंड आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 3 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो आप सबको दिखला देंगे थोड़ा, अभी हम पैकिंग कर रहे हैं। गाइज आज है जो कि हरियाली तीज एंड जो ऋषिका दीदी है उसकी फर्स्ट तीज है आज की, शाम को सेलिब्रेट करेंगे। अभी तो है ना हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि जो जो सामान रह गया है उसको रेडी कर देते हैं, उसके बाद शाम को फिर है ना मैं आप सबको हर एक व्लॉग में दिखलाऊंगा जो हमारे घर में होती रहेगी। तो गाइज मैंने आप सबको बताया था शाम को सब आ जाएंगे, तो मुस्कान दीदी भी आ गए और सचिन भाई भी आ गए। सचिन भाई बैठे हुए आपको दिखने होंगे और हरियाली पीज अभी स्पेशल बनाएंगे बहुत ज़्यादा। और ऋषिका दीदी अभी यहाँ रेडी हो रही है और नृत्य मेकअप कर रही है, और जब हो जाएगी रेडी तो दिखलाऊंगा गाइज मैं आप सबको। और बाकी अभी सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, पापा ने भी पूजा कर ली है, दादियाँ चाय पी रही है, मेरी चाय बन रही है, और सचिन भाई ने भी चाय पी और जीजू ने भी चाय पी है। पी लिया आपने चाय? मुस्कान दीदी वो बैठेगी बाहर, सब ने नाश्ता कर लिया। और ये जो मच्छर बिस्कुट थे ना मैं रख देता हूँ अभी, और सचिन भाई गए पर छत पर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मम्मी यहाँ खाना बना रही है ना रसोई में, तो बाहर बपका जा रहा है खाने का, तो हम सोच रहे हैं कि ऊपर चले जाते हैं बालकनी में। यहाँ लगा दिया मैंने तीजों का सामान जो जो होता है हरियाली तीज में, ईश्वर दीदी का सामान और बाकी पूरी फैमिली का, विद फैमिली का, और जो ये चलता है पकवान ये सब लगा दिया, मट्टी वट्टी एंड। और मम्मी दे रही है अभी पीली टोकरी में, ये भी रख देता हूँ, बस ये रखा जाएगा हलवा पूरी चावल। और गैस जो पका पकवान है ना वो रखना है बाकी, और ये मट्ठी होती है इसमें भुजिया भुजिया मिक्सर विक्सर जो वगैरह रखते हैं मीठा सब रख दिया, घेवर भी ये रहा, और बाकी दीदी का सब सामान ये सब हमने सजा दिया। और जीजू आ गए और नोनी भी आ गई और सामान दिखा रहे थे अभी हम, आ जाओ देख लो आ जाओ। ऊपर खाना वाना चल रहा है, जीजू है ना, दोनों जीजू, संदीप जीजू, रिक्की जीजू और सचिन भाई भी ऊपर खाना खा रहे हैं, तो मैंने उनको पहले खाना खिला दिया, मैंने तुम सब निमट जाओ। और बाकी ईशु दीदी भी रेडी हो गई, तो गाइज हमारी लड़की भी रेडी हो चुकी है ईशु दीदी, और पहली तीज है ईशिका दीदी की। तो दीदी तो गाइज यहाँ सर हमने है ना अपना सामान दीदी का जो था सब पैक कर दिया, ये मट्टी भी ये रही और बाकी ये, और एक थैला ये रहा बड़ा, इसमें सब कुछ सामान रख दिया। और सचिन भाई भी आ गया अब नीचे, जीजू नहीं आ रहे, सचिन भाई आ रहे हैं, तो विद्दु भी बहुत एंजॉय कर रहा है। विद्दु क्या हाल है? विद्दु बढ़िया बढ़िया, नहीं क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया हो आप? सब यहाँ फोटो खींचे जा रही है सर सबकी, अल्लाह मचा रखा है बहुत ज्यादा, इतनी फोटो खींच रही है इनके देख लो, ये सब बैठ के खिंचवा रहे हैं यहाँ पर हर बार की तरह, और ये सब ये बैठे हुए पलक जाते हुए बैठ जा कोई नहीं। तू क्यों रो रहा है विद्यु? हाँ विद्यु जल्दी बैठ जा जल्दी। तो गाइस फोटो खींच रही है इन सबके, और ये सब ये खड़े हुए, और नोनी से पैसे ले रहा है देखो। ओए ओ ओ कम न विद्यु, नोनी से पैसे नहीं लेने का। यहाँ फोटो खिंचा विद्यु जा, नितिका देर देर क्यों कर रही है? तो गाइस बस अब जा रहे हैं नीचे, हम सामान भी छोड़ देंगे और बाकी इनका और रिक्शा भी करवा देंगे, यहाँ से रिक्शा हो जाएगा है ना, बाहर से करवा देंगे रिक्शा। तो चल सचिन भाई को और मैं करवा देंगे दोनों चलते। तो गाइस सचिन भाई और मैं जा रहे हैं, हम दोनों रिक्शा करवाएंगे और सामान बहुत ज्यादा है इसलिए। ऐसे मार रहा है नोनी को, देख लो ये बड़ी है, तेरी भांजी है नोनी, पता है भांजी है तेरी, ऐसे ऐसे नहीं मारते, भांजी है ना वो, मामा बोल नोनी इसको, तेरा मामा आई है बोल दे, देखो कितना बड़ा बंदा है ये, तू मामा है लेकिन छोटा है तू मामा इससे, समझा? ले पैसे दे दे दीदी को, मैं इसकी बोल लगी भांजी, देख तो ले ले, ओ भांजी को पैसे दे दे नोन, विद्दू भांजी को पैसे दे दे अपनी, ले ओए ले,
गाइस देखो कैसे उछल रहा है। टाइम ज्यादा हो रहा है, 9 बज गया गाइस। देखो खाना पीना डन हो गया सबका और जा रही है इसकी दीदी भी और इसकी दीदी भी दोनों। साक्षी तुझे जगह नहीं मिल रही बिल्कुल। जस्ट अभी अभी ना हम इशू दीदी का सामान देके आए हैं स्कूटी पर ही, तो सचिन भाई और मैं गए थे, तो बस सचिन भाई ने ना किया कि चल जूस पी लेते हैं, तो जूस की शॉप दिख गई, तो पहले जूस पी लेते हैं, आ जाते हैं गाइस। सचिन भाई पिला रहा है जूस आज, तो कौन सा पीना है देख ले, जौन सा तू लेगा मैंगो ठीक है। तो गाइस हम जूस पी रहे हैं यहाँ पर और बाकी सचिन भाई ले रहे हैं 2 गिलास क्योंकि ठंडक हो जाएगी, गर्मी बहुत लग रही है। हाँ मेरा आगे टेस्टी सा जूस एंड मैंगो जूस लिया है मैंने और सचिन भाई का आ रहा है मौसमी जूस। सचिन भाई का और मेरा जूस कंप्लीट हो गया, बस घर जा रहे हैं हम, घर जाके मिलेंगे। सचिन भाई बैठ रहे हैं पीछे। गाइस सचिन भाई ना यहाँ पर टी शर्ट चॉइस कर रहे हैं, टी शर्ट जोन सी पसंद आएगी वाली लेंगे। ये कैसी टी शर्ट चाहिए? कॉटन में अगर मिल जाती है तो देखता हूँ। देख ले अच्छी सी कॉटन में अगर मिल जाए तो टी शर्ट भैया आप दिखला दो ना कोई अच्छे से। टी शर्ट लिए भाई ने, अच्छी लग रही है बाकी तेरे पे, टी शर्ट तो अच्छी लग रही है, ले ले वाली ठीक है। जस्ट अभी ना सचिन भाई ने 2 टी शर्ट लिए और एक निक्कर ले रहा है और निक्कर भी अच्छा लग रहा है, टी शर्ट भी, तो टी शर्ट बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि जब भाई ने पहने ना बहुत अच्छी लग रही थी। तो निक्कर देखो अब चेक कर रहा है भाई कौन सा निक्कर लेगा। सचिन भाई अच्छा लग रहा है वाइट निक्कर, ये जो ऑरेंज वाली टी शर्ट ली है ना तूने उस पर बहुत प्यारा लगेगा। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये कंफर्टेबल भी है, कॉटन का है देख। हाँ भैया ये ठीक है, ये वाला निक्कर देख इसके साथ ना बहुत प्यारा लगेगा इस शर्ट के साथ। ऐसे कपड़े में दिखाना थोड़ा, जींस के कपड़े में देख ले, देख इसमें भी अच्छा लगेगा, ये अच्छा लग रहा है जींस का है ना। और बाकी तो देख ले अगर बैठने में कंफर्टेबल होगा तो पहन लियो है ना भैया, आप यहीं लगाते हो। तो गाइस सचिन भाई ने भी है ना पैसे दे रहा है, बस सामान हो गया पैक हमारा और बस चल रहे हैं घर पे। और हमारी रानी ये थी स्कूटी, ठीक है हो गया ना सचिन भाई डन, ठीक है मैं ना घर ही चल के मिलेंगे आप सबसे, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 10 बज गए गाइस। हम है ना 9:30 बजे इशू दीदी को छोड़ रहे थे, 10 बज गए बिल्कुल, आरा का शरोड पर है अभी हम।